सरकारी स्कूलों को कम अंदाजा मत कीजिए, सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक है उनके उनको कम मत समझिएगा, सब बराबर है। आपको चाहिए कि केवल पढ़ाई नहीं, खेल कूद के लिए भी समय दीजिए, व्यक्तित्व तो बढ़ाने का समय दीजिए, कुछ पढ़ने का अवकाश दीजिए, लाइब्रेरी में जाकर कहने। पढ़ाई एक बहुत बड़ा अंग है, उस पर ध्यान देने के लिए कहिए, ऐसा कहते हुए फिर भी इस पर ध्यान ज्यादा दीजिए। इतने विषयों को सोचेंगे व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्ति समाज का उद्धार, समाज के उद्धार से राष्ट्र का उद्धार, राष्ट्र के उद्धार ऐसे राष्ट्रों के उद्धार से विश्व का उद्धार हो जाएगा। आज शोध कार्य इतने बढ़ गए हैं कि स्पेस में फिर रहे हैं, अंगारक ग्रह जा रहे हैं, ये मैं उनकी बुद्धि के विकास को कह रहा हूँ। आज जो बड़े कहलाए जा रहे हैं उनसे जाकर पूछिए कि आपकी तालीम कहाँ हुई है, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है, एक साधारण पाठशाला में। क्या उनकी बुद्धि बुद्धि नहीं है? जो कॉरपोरेट स्कूल में पढ़ते हैं क्या उनकी तरक्की होती है? बुद्धि पुस्तकों में नहीं, बुद्धि सिखाने में नहीं, बुद्धि अपने में होती, दिमाग में। दिमाग को शुद्ध रखिए भाई, बाल गिर गया उठना ही सीखना चाहिए, गिरना नहीं। हाँ फेल होते हैं, हर कोई हार एक जीत की सीढ़ी है, वो ऐसा प्रोत्साहन दीजिए। बच्चे को नाराज कभी गाली मत दीजिए, अगर फेल हो जाए तो उत्साह बढ़ जाएगा कि मेरे माता पिता मेरा उत्साह बढ़ा रहे, ठीक है। अरे भाई कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, इसे भी संतान नहीं मानते हैं, इसको भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, इनके जो शोध कार्य है उस पर भी विश्वास नहीं कर रहे, यहाँ भी रेखा ही नहीं है, यहाँ जो आड़ी रेखाएं रहती है वे कहते हैं कि वे संतान की रेखा है। मंगल क्षेत्र को पढ़ाते समय मैंने कहा कि कला रेखाएं हैं, शत्रु रेखाएं हैं, मगर कुछ शास्त्र कहते हैं यही संतान की रेखा है, मगर बहुसम्मत नहीं है, कुछ लोगों से सम्मत है, कुछ शास्त्र इसे संतान के रूप में स्वीकार करते। चलो उनका अर्थ ऐसा है, मतभेद है, मतभेदों का हो सकते हैं मतभेद, सही रेखाएं क्या है वो जान लीजिए, मेरे कहने से ही नहीं, मेरे बिताने से ही नहीं, आप अवगाहन मिलाइए, अनुभव बढ़ाइए, आप एक निर्णय पर आ जाइए कौन सी रेखाएं संतान की रेखाएं हो सकती हैं। अगर ये भी आधार नहीं मिला, ये भी आधार नहीं है, यहाँ कोई आधार नहीं है, ये वह रेखाएँ नहीं है, किरण रेखाएँ नहीं है, यहाँ गुण का चिन्ह भी नहीं है, अरे भाई एक ही एक साधु उदाहरण नहीं मिलता कि मेरे संतान होती या नहीं। कुछ शास्त्रज्ञों ने कहा हृदय रेखा, गिरी हुई रेखाएँ हो ऊपर से हो या नीचे से, या खड़ी रेखाएं भी क्यों न हो, ये भी संतान की रेखाएं हैं। भाई सब शास्त्रों को पढ़िए, अध्ययन कीजिए, अवगाहन बढ़ाइए, आप अपनी बुद्धि से सोचिए, उससे अनुभव बढ़ता है, अगले आप बताएंगे तो अनुभव से बताइए। इस शास्त्र ज्ञान को प्राप्त करना, स्वागत कीजिए शास्त्र का, शास्त्र दोषी नहीं कभी हो सकते हैं, मगर इसी को मेन मत बताना ये बनाइए, जो मूल धर्म से आप जो नौकरी कर रहे हैं नौकरी को लागू रखिए, एक ज्ञान सीखिए, इस ज्ञान को सीखने से ज्ञानी बन जाएंगे। ज्ञानी किसे कहते, मैंने कहा ना वो जानता है, क्या जानता है, सामुद्रिक शास्त्र को मैं जानता हूँ, ये ज्ञानी है, वो जानता है। और एक प्रकार के व्यक्ति वे भी जानते हैं, क्या जानते हैं, इस शास्त्र को मैं नहीं जानता हूं, वो जिज्ञासु है, पिपासु है, सीखने का प्रयत्न करेगा। वो नहीं जानता है और एक प्रकार के व्यक्ति, क्या नहीं जानता, सामुद्रिक शास्त्र वास्तव में वे जानते हैं, ये भी वे नहीं जानते हैं, वो अज्ञानी है बेचारे,
और एक प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं, वे नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? ऐसा ये शास्त्र है, ये ज्ञान है, ये भी नहीं जानते हैं, वो मूर्ख है। ज्योतिष हो, सामुद्रिक हो, गणित हो, साइंस हो, मानसिक शास्त्र शास्त्री हो, शक्ति भर शास्त्रों को अध्ययन करने का प्रयत्न कीजिए। सभी का ज्ञान रखे, एक में निष्णात बनिए। अगर इस शास्त्र के निष्णात बनना चाहते हैं, शास्त्र का अध्ययन कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। मगर अन्न नौकरी है, ये बाजू की चटनी है, बाजू का एक अचार है, खट्टा है, छाछ है, दही है, मगर भोजन नहीं बन सकता, खाना नहीं। कब इसको खाना बना सकते हैं? हाँ, नौकरी से हट गए, रिटायरमेंट दे दिए, तभी से लीजिए। मैं जानता हूँ कि सामुद्रिक शास्त्र के बारे में मैं जानता हूँ, ज्ञानी हैं आप, तब ज्ञानी बनिए आप। अनुभव से पढ़ाइए, अनुभव से सिखाइए, अनुभव से फलतों का प्रवचन कीजिए, धन बस। शास्त्र का अध्ययन करना बुरा नहीं है, शास्त्र के बारे में जानना बुरा नहीं है, नहीं जानना भी मैं समझता हूँ कि कुछ अज्ञान के लक्षण हैं। इस कारण बंधु, जो नौकरी कर रहे हैं, कमाने का एक आधार है, उस आधार पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। आधार खत्म हो गया, एक पेंशन मिल रहा, बस नहीं हो रहे हैं पैसे, इस कारण कुछ कुछ प्राप्त करने के लिए ये शास्त्र को पढ़ाएंगे या बताएंगे, शास्त्र के द्वारा किसी का फल तो भला ही होगा। ठीक है, छोड़ दीजिए। अब ये विवाह रेखाओं के आकारों को देखेंगे। ये विवाह रेखाएं हैं, बहुवचन में ही प्रयोग कर रहा हूं, मगर एक की पत्नी, जिस रेखा पर लगकर एक दो रेखाएं दिखाई पड़ेगी, ये संतान की रेखाएं हैं। अब देखिएगा, ये इन रेखाओं में मैग्नेटिक मिरर में देखेंगे तो अंतर दिखाई पड़ता है। कैसे अंतर दिखाई पड़ते हैं? और एक बात बंधु, ये जीवन रेखा है तो इसके पार्श्व भाग में चलने वाली रेखा धन रेखा है, तो उसके पार्श्व भाग में अगर और एक रेखा चलती है तो सूर्य रेखा है, उसके पार्श्व भाग में जो रेखा चलती है वो स्वास्थ्य रेखा है, ज्ञान रेखा है या व्यापार रेखा है। अगर वो रेखा यहाँ से निकलती है, बुध पर्वत जाते जाते दिखाई पड़े, इस पर यव रेखा हो या गुण का चिन्ह हो, कैंची का चिन्ह हो या वृत्त हो या और कोई बुरा चिन्ह हो, उसकी संतान नहीं होती बताते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ शास्त्रों में है, मैंने देखा भी है, मगर अनुभव में नहीं आता है। ये स्वास्थ्य बिगड़ना अलग है, संतान नहीं बोलना एकदम गलत है, शास्त्र का दोष कर रहे हैं हम, शास्त्र के प्रति दोष न करें। इन रेखाओं को देखकर वैसा मत कहिएगा कृपया, समझिए कि ये रेखाएं हैं। अब एक रेखा के बारे में बोलूंगा, रेखाओं में कितने अंतर दिखाई पड़ते हैं, बहुत कम उदाहरणों में बताऊंगा। एक संतान रेखा है खड़ी, बिल्कुल खड़ी है, सीधी है, सरल है, स्वस्थ है, सजीव दिखाई पड़ रही, सुंदर संतान बता सकते हैं। अगर ये रेखा बढ़कर बहुत आगे चलकर तीसरे पर्व पर तक चढ़ जाएगी, ये भी संतान रेखा है, उस संतान के बारे में बता सकते हैं कि दीर्घायु व्यक्ति होंगे और वो संतान बहुत ऊंचे पहुंचेगी, प्रतिष्ठा बढ़ाएगी, परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाएगी वो संतान, विश्वास कीजिए मेरी बात। ठीक है, हर किसी की इतनी बड़ी रेखाएं होती, थोड़ी निकाल दीजिए, बहुत छोटी रेखाएं थी, इसे मैग्नेटिक मिरर में ही दिखना पड़ेगा। समझिए कि इनकी एक शाखा है, नहीं, एक शाखा से ही संतान रेखा निकली है, ये तो एक समान ही है। ये शाखा
इस रेखा पर ऊपर आई है, ये शाखाओं से ही निकली है, फल एक ही है, कहने में अंतर है। ऐसे बच्चे या बच्चियां अर्थात संतान जुड़वे होंगे, ट्विंस बोलते हैं ना, ट्विंस। अरे रेखा तो वैसी है मगर मेरे लिए ट्विंस नहीं है, जरा बाजू हटिए। शास्त्र ने यह भी कहा कि ऐसी रेखाएं होंगे, ऐसे बाजू रेखाएं होंगे या दो रेखाओं से मिलकर एक लंबी रेखा बनी है, जुड़वे न होने पर भी अधिकांग व्यक्ति होंगे, यानी कम से कम एक अंगुली के लिए दूसरी अंगुली आएगी, किसी को छोटी सी दुम होगी या कान के पीछे कोई अंग जैसा आ जाएगा, किसी किसी व्यक्ति को नाक पर छोटी अंग जैसी कोई शारीरिक अंग बढ़ता दिखाई पड़ेगा, ऐसे दोष होंगे। बहुत बड़े दोष नहीं, हटा भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, कटा भी सकते हैं, क्योंकि चक्के यहाँ जाकर